हेलो पेनकलर आर्मी, आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जितने भी सारे ऑडियंस आज ओडिशा से देख रहा है मुझे, उनके लिए तो पहले हैप्पी रथ यात्रा। आज हमारे ओडिशा में एक बिगेस्ट फेस्टिवल है। चलिए आज हम आपको दिखाएंगे हमारे गांव में कैसे रथ को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। अभी मार्केट का देख लेते हैं, मार्केट का क्या सीन है। ये हमारी जगजूर मार्केट है। आप यहाँ पे लोगों को देखो ध्यान से, कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है इसलिए आप लोग ध्यान से नहीं देख पा रहे हो, बट रिएक्शन अगर कैमरा अगर सही होता ना तो रिएक्शन आप लोगों को सही देखने को मिल जाता। इस साइड पे देखते हैं क्या हाल है आज। अब ये छोटे छोटे बच्चे आ रहा है, अब देखने का इस यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे भी रथ यात्रा किया। गाइस यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या ही तगड़ा रिएक्शन मिला है। गाइस मैं आपको एक बात बोलूँ, मतलब हमारे गांव के साइड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जो ऐसे मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, इससे बहुत लोग ऐसे चिढ़ते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, ऐसे नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। मैं बस ये सोचता हूँ भाई, अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो चिढ़ते क्यों भाई, एक दिन दिखाएंगे ब्रो। जस्ट वेट एंड वॉच। जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है, मुझे पता है तुम मेरे हेटर्स भी हो और ब्लॉग भी देखते हो, क्या फ़र्क पड़ता है यार जो जो भी करे, लेकिन तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। अगर कुछ करेगा तो भाई तुम लोगों को भाई यहाँ पे सहम करना नहीं है। तो गाइस ऐसे मत करो, बिल्कुल भी ऐसे मत करो मेरे हिसाब से। थोड़ी दूर बाद ही है बैनाकोंडा मार्केट। मैं पहली बार इस साइड पर गोप्रो लेके, मतलब ऐसे फ़ोन लेके जा रहा हूँ गाइस, बहुत हंसी आ रही है। ये है बैनाकोंडा मार्केट, यहाँ पे हम एंट्री हो गए हैं। ओ भाई गाइस मैं लेट हूँ भाई, देखो हमारे रात ऑलरेडी चलना शुरू हो गया और वहाँ का देखो कैसे लोग उसके खींच रहा होगा। छोटे बच्चे देखते थे गाइस। गाइस यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे कैसे। अब आगे भी है, ये है बैनाकोंडा मार्केट का रिएक्शन रथ यात्रा। अब आगे है जम्मू, जम्मू का दिखाएंगे। और हाँ, जम्मू में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसका 3-4 गुना लोग आपको देखने को मिल जाएगा। हाय। तो गाइस ये जो लड़का आप देख रहे थे ना, इसका शादी हो गया भाई, मेरे से भी बहुत छोटा है, 18 साल उम्र है, शादी कर लिया भाई। तो वो अभी उसके वाइफ को लेके कहीं से आ रहा था ऐसे चल के। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे बोट हैं जो मछली पकड़ते हैं ना। यहाँ का जो मत्स्यजीवी है, मतलब जो लोग डिपेंडेंट है, जो दुकानी इन लोग को छोड़ के कोई बिजनेस छोड़ के अगर बात करें तो सभी लोग यही काम करते हैं, नदी में जाके मछली पकड़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस साइड ओडिया लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है जम्मू, आप लोग तो पढ़ नहीं पाओगे। और यहाँ पे राइट साइड में है रथ यात्रा, यहाँ पे राइट साइड में होता है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग देखो गाइस, यहाँ पे भीड़ देख सकती हो। अरे भाई रथ चलना शुरू हो गया। अबे भाई भाई भाई, सही गाइस देख सकते हो ये आगे जा रहा है रथ यात्रा, भगवान जी क्रॉस हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं देख के खुद हैरान हूँ गाइस, यहाँ पे क्या है रिएक्शन है गाइस। ऐसे सीधा चलते हैं। देख सकते हो क्या ही रिएक्शन है भाई, अल्लाह के लेवल की रिएक्शन। मार्केट में चलते हैं, एक सही पर्सन से दिखाने वाले हैं जिनसे लाइफ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, चलिए उससे मैं मिलाता हूँ आपको। आज तो दुकान बंद रहना चाहिए। यह है जम्मू मार्केट, यहाँ पे देखता हूँ है या नहीं। रा
तो ये है गाइस, ये बंदा है, ये इसका दुकान है, ये जो देख रहे हो ना ये दुकान है। अभी लाइन बंद है ना, यहाँ पे पावर कट है, ये इसका KTM है। तो चलिए गाइस यहाँ से जाते हैं, अरे चलते हैं, लाइन ने बहुत हेल्प किया तो तो चलिए गाइस यहाँ से चलते हैं सीधा घर, नहीं घर नहीं, सीधा चलते हैं बेनाकोंदा मार्केट, रथ यात्रा का जो रस्सी लेके हामडिया से जाएंगे भगवान जी को लेके, तो वहाँ का भी दिखाएंगे। तो चलिए गाइस वहाँ से भी चलते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं भीड़, मुझे पता था नहीं निकल पाएंगे, नहीं तो भाई यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे देखते सभी लोग रथ टान रहे हैं, रथ को लेके जा रहा है यार, यहाँ पे डीजे बज रहा है भाई, क्या भीड़ है वे, क्या रिएक्शन है वे। तो गाइस यहाँ पे रथ है, हमारी रीति के हिसाब से अपने घर से मौसी का घर यहाँ पे 7 दिन के लिए रहेगा, ये जो घर देख रहे हो ना उसी हिसाब से ये मौसी का घर होगा, तो यहाँ पे रथ रहेगा 7 दिन के लिए, उसके बाद फिर से जाएगा ऐसे रस्सी में खींच के लेके हम जाएंगे, बट अभी तो ये 7 दिन यहाँ पे रहेगा, ये हमारी रीति के हिसाब से है। और जिस दिन जाएगा पक्का बारिश होगा, क्योंकि ऐसे होते हैं ना जैसे हम किसी रिश्तेदार घर में जाते हैं, मौसी के घर में जाते हैं, जब आने के टाइम पे मन खराब करता है ना, वैसे ही मौसी के घर में लौटने के टाइम बारिश तो पक्का होगा, हर बार हर वर्ष होता है बारिश, तो उसी दिन का इंतज़ार है। 7 दिन के बाद फिर से ऐसे रथ को लेके जाएंगे। अब यहाँ पे रथ रहेगा तो यहाँ से हम चलते हैं गाइस। गुड्डी कॉल कर रहा था, बोल रहा था खाने के लिए कुछ लेके आना, तो गाइस यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस यहाँ से सीधा निकलते हैं, हमारे दोस्त का दुकान है यहाँ पे, देखते हैं वो बंदा क्या कर रहा है। भाई कॉल कर रहा था कि वो और मैं साथ में घूमने जाए, बट मुझे बिल्कुल याद नहीं था, लेफ्ट साइड में उसका दुकान है। अभी तो इसका कस्टमर बहुत है शायद, मुझे लग रहा है। हाँ लस्सी आया भाई, लस्सी थोड़ा सा खाते हैं, उसके बाद जो होगा। लस्सी भाई गर्म में बहुत सही लगता है। अब ये कस्टमर छठा, इसका वो दुकान है, देख सकते हो ये इसका व्यू है। तो यहाँ पे गाइस ये हमारे रीना है, तो दुकान मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है, ये देख सकते हो यहाँ पे ये बैठा है, ये है जॉयदीप। सभी लोग कमेंट में जय जगन्नाथ लिख देना। और हाँ, ये जो आपको देखने में कैसा लगा, रथ यात्रा जो सभी लोग रस्सी में ऐसे खींच रहा था, वो भी आप लोग बताना। ये फेस्टिवल हमारे उड़ीसा में हर वर्ष होता है, पूरी में तो भाई अलग के लेवल की हो रही है, सबको पता है। छोड़िए यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया, पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए, बाय बाय।